देश भर में लागू हुए नए कानून को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आ गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि ये देश और राज्य दोनों के लिए बड़ा दिन है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों में बदलाव कर मोदी सरकार ने एक साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे इस पर कल विधानसभा में भी वक्तव्य देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ इसे लागू भी करेगी। प्रदेश में अब चेक पोस्ट बंद हो रहे हैं। एमपी में टोल पोस्ट पर अवैध वसूली को रोकने का काम भी किया जा रहा है। सरकार सदैव संवेदनशील मुद्दों पर काम करती है और कई राज्यों के लिए एक अलग प्रकार का दिन है जब हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से चले आए थे उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा। विस्तार से मैं वक्तव्य अपना कल विधानसभा में देने वाला हूँ जिनके माध्यम से इस पे इस न्यायालय खास करके अपराध संहिता IPC 1860 साक्ष्य अधिनियम और अन्य CRPC ये सब जो बदले गए मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। एक और ये जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है और हमने आज 1 जुलाई से प्रदेश के 40 ही टोल नाकों पर अवैध वसूली के खिलाफ जो राजस्व का हमारा अमला उसको तैनात किया है। रेवेन्यू अमले के साथ साथ हमारा RTO डिपार्टमेंट भी जो हमारे टोल बैरियर है उस टोल बैरियर के माध्यम से वैधानिक व्यवस्थाओं के लिए कृत संकल्पित है। सरकार ऐसे सभी संवेदनशील मामलों में लगातार कार्रवाई करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से खासकर प्रदेश की जनता को यह आश्वासन है कि सरकार कानून के हिसाब से चलेगी, व्यवस्थाओं का पालन करेगी और भारत सरकार के साथ मिलकर लगातार जनहितैषी योजनाओं को लागू करने में एक क्षण की देर नहीं करेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार।